गुड मॉर्निंग क्लासमेट्स फ्रेंड्स. इन माय लेक्चर फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट द चैप्टर सेकंड ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर बुक. ओके, द थीफ स्टोरी. इन दैट लेक्चर वी कवर्ड अप टू पेज नंबर 10, फोर्थ पैराग्राफ फ्रॉम टॉप. आई टोल्ड यू दैट अनिल, who was a writer by profession, he got a check from the publisher and he decided to give monthly salary to Hari Singh, whom he employed to do his household work, the work of cooking, cleaning, dusting, washing clothes, etc. Okay, but as I told you earlier, Hari Singh, who was a thief by profession, he told a lie, okay, to Anil. His main motto was to get employment somewhere. So Anil asked him, do you know how to cook? Again he lied, and Hari Singh said that, okay, I can cook very well. Okay. Now let us continue. So I told in my first lecture that when Anil got a chair, he got handsome amount of money. He returned back home and kept the money just under the mattress. Anil was a writer, occasionally got such kind of money. Okay. Here Hari Singh, who was working in Anil's house for almost a month, and whenever he went out for daily shopping, he made some money. But since the last 1 month, he was out of work, means he did not commit any theft. So naturally, he was just thinking that he would soon become out of practice. पिछले एक महीने से हरी सिंह अनिकिया काम कर रहा था, तो उसने सोचा कि यदि वो चोरी चकारी नहीं करेगा तो वो अपने इस चोरी के काम के अभ्यास से दूर होता चला जाएगा. हालांकि अनिल ने इतना विश्वास किया था हरी सिंह के ऊपर कि उसके पास दरवाजे की घर की चाबी वगैरह सब हुआ करती थी. ओके, लेकिन यहां हरी सिंह ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति के यहां चोरी करना बड़ा मुश्किल काम है जो आपके ऊपर अत्यधिक विश्वास करता हो. अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, हरी सिंह के अनुसार, इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति के यहाँ डकैती डालना या चोरी करना बहुत आसान काम है. बिकॉज यू कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो इस बात को सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है कि उसको किसी के द्वारा लूट लिया गया, उसके यहाँ चोरी करने के लिए. लेकिन बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह किस्म के व्यक्ति के यहाँ चोरी करना बड़ा मुश्किल काम है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब. कभी कभी तो लापरवाह किस्म के व्यक्ति को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि किसी ने उसे लूट लिया है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क. और चोरी के काम में चोर को जो आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसे लापरवाह व्यक्ति के यहाँ चोरी करने की वजह से वो अपने इस काम की अनुभूति से वो दूर रह सकता है. नाउ लेट अस कंटिन्यू. दिस इज फिफ्थ पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 10. वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. रियल वर्क हियर मीन्स द वर्क ऑफ कमिटिंग थेफ्ट. रियल वर्क का यहाँ तात्पर्य हरी सिंह के द्वारा
चोरी करने के काम से ओके तो हियर हरि सिंह थॉट दैट दिस इज द टाइम टू डू क्लियर वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ हरि सिंह ने स्वयं अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस क्योंकि पिछले 8 महीने से मैं यहाँ निर्भया काम कर रहा हूँ कोई चोरी चकारी मैंने नहीं की है यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं चोरी करने के अभ्यास या चोरी करने के काम से धीरे धीरे दूर होता चला जाऊंगा वो तो मेरे अभ्यास में नहीं रहेगा एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स और यदि मैंने अनिल के पैसे नहीं चुराए तो वो इन सारे पैसों को अपने मित्रों के साथ पार्टी शार्टी मिलने में व्यस्त में बर्बाद कर देगा आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी अगला विचार जो हरि सिंह के दिमाग में आया वो ये था कि अभी तक 1 महीने अनिल के मुझे काम करते हुए हो गया लेकिन अनिल ने अभी तक मुझे तनख्वाह या वेतन नहीं दिया अनिल वॉज एस्लिप इट वॉज नाइट टाइम अनिल वॉज हैविंग अ साउंड स्लिप रात का समय था अनिल सोया हुआ था ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड चंद्रमा की किरणें झरोखे में से होते हुए उसके पलंग पर पड़ रही थी आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन अब चोरी करने के उद्देश्य से जहां हरि सिंह फर्श के ऊपर बैठ गया और वो सारी स्थिति के ऊपर विचार करने लगा इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लंदन हरि सिंह के मन में विचार आया कि यदि मैंने अभी अनिल का पैसा चुराया तो मैं आसानी से स्टेशन पहुंचकर 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस वो पकड़ लूंगा स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई ट्रैप अप टू द बेड कंबल से बाहर निकलकर हरि सिंह धीमी गति से रेंगता हुआ तो अनिल के पलंग के पास पहुंचा अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली उस समय शांतिपूर्वक अनिल सोया हुआ था हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड अनलाइंड मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ एंग्जाइटी कोई चिंता की लकीरें वहां अनिल के चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी उसका चेहरा एकदम शांत और स्पष्ट था बिना किसी चिंता के इवन एड मोर मार्क्स ऑन माई फेस टू माई वॉज मोस्टली स्कियर्स यहां तक कि जो है हरि सिंह के चेहरे पर ज्यादा निशान थे और जगह जगह कटने के निशान वहां उसके चेहरे पर मौजूद थे जबकि अनिल के चेहरे पर इस तरह के कोई निशान नहीं थे माई हैंड्स लेड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स हरि सिंह का हाथ जो है उस गद्दे के नीचे गया जिस पर अनिल सोया हुआ था और उसका हाथ गद्दे के नीचे नोटों की तलाशी कर रहा था व्हेन आई फाउंड देम जब हरि सिंह को गद्दे के नीचे अनिल के गद्दे के नीचे पैसे मिल गए आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड तो हरि सिंह ने वो सारे पैसे बिना किसी आवाज के बाहर निकाली अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी अनिल नींद में एक राहत भरी सांस लेने लगा और वो मेरी तरफ मुड़ गया आई वॉज स्टार्टल्ड एंड ड्यूटली प्राउड आउट ऑफ द रूम अनिल को ऐसा करते हुए हरि सिंह एकदम चौंक गया और शीघ्रतापूर्वक धीमे कदमों से बिना किसी आवाज करते हुए एकदम रेंगते हुए से वो कमरे से बाहर निकल गया व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन और जब हरि सिंह सड़क पर पहुंच गया तो उसने दौड़ना प्रारंभ किया एट द नोट इन माई वेस्ट और उस समय कमर में उसने उन नोटों को छुपाकर रखा हुआ था एट देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई
पजामा स्ट्रिंग यानी नाड़ा, फिर वहां कमर में उसने पजामे के नाड़े के अंदर उन नोटों को जो उसने अनिल के चुराए थे घुसा के उसने रखा हुआ था सुरक्षित रूप से। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज इन 50। फिर थोड़ी देर बाद धीमे कदमों से रेसिंग चलने लगा और उसने उन नोटों को गिन कर देखा, वहां 50-50 के 600 रुपए उसके पास थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। हरी सिंह के मन में विचार आया कि 600 रुपए में अरब के जो शेख होते हैं जिनके पास पेट्रोल की तेल की बेशुमार दौलत होती है, और इसी ने सोचा कि अरब के शेख लोगों की तरह एक या दो सप्ताह आराम से एक अमीरों वाली जिंदगी में 600 रुपए से बिता सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब हरि सिंह लखनऊ के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो वो जो टिकट की विंडो जो थी वहां पर वो नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. Since he was a thief, as I told you earlier, during his whole life, he never bought a ticket. He never traveled in a train after buying a ticket, but dashed straight to the platform. He सीधा तेज गति से चलता हुआ वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया हरि सिंह। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म से रवाना होना प्रारंभ हो चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने अभी भी गति नहीं पकड़ी थी, बड़ी धीमी गति से वो चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन वन ऑफ द कैरिजेस। और ट्रेन इतनी धीमी गति से चल रही थी कि हरि सिंह आसानी से एक रंग लगाता हुआ किसी भी डब्बे में सवार हो सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन हरि सिंह थोड़ा हिचकिचाने लगा। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कोई ऐसा कारण उसके मन में आया जिसको वो समझा नहीं सकता था। बट आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और इस बीच ट्रेन रवाना ट्रेन ने तेज गति से रवाना होना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से वहां से लखनऊ की ट्रेन पकड़ने से वो चूक गया। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लेक्चर। ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द थर्ड लेक्चर। ओके।